ये भी हेलो सही है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में, यूलाकांडा किन्नौर हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम पहुंच चुके हैं किन्नौर में और ये नज़ारा आप कुछ देख सकते हैं। और ये नज़ारा कुछ किन्नौर की वादियों का और ये वैली और वो सामने से रास्ता है, बहुत ही शानदार रास्ता। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हिमालयन ट्रैकर। और ये हमारे अमन भाई जी ताबड़तोड़ तरीके से फुल ऑन ब्लॉगिंग के मूड में आ चुके हैं और ये फुल ऑन गर्म हो चुके हैं अभी। और ये है रोड का नज़ारा, बहुत ही शानदार। और ये पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और ये पहाड़ पूरे के पूरे चट्टानों के हैं। भारतीय पेट्रोलियम। और यहाँ पे भाई पास की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये एडवांस में ही यहाँ पे रुक चुके हैं क्योंकि आगे पास नहीं है। तो यहाँ पे ये पास लेंगे तब आगे आएंगे। तो यहाँ पे रुक जाने में ये भलाई है कि एडवांस में रुक जाएं। और भाई हमारे चाचू जी कह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे रील और ये ताबड़तोड़ तरीके से बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमारी आ रही है ITBP फोर्स जो जा रही है बॉर्डर पे। भाई यहाँ से देख सकते हो ताबड़तोड़ गहरी खाई है नीचे पूरी की पूरी। यहाँ से अगर कोई गिरा नीचे तो खत्म। ये नजारा कितना बड़ा स्टोन है और ये बहुत ही लाजवाब दृश्य यहाँ पे इन पहाड़ों का। और ये है यहाँ पे पुल जिसकी मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था कि इस पुल पे तो जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। पर जो रील में दिखता है वो रियलिटी में होता नहीं है। तो रील में बहुत ही शानदार लग रहा था, वैसे भी रियल लाइफ में उतना नहीं है, फिर भी अच्छा है, शानदार है, पहाड़ है, अच्छा लग रहा है। सो भाई रील में ये ताबड़ तोड़ लग रहा था, आप देख सकते हो कैसा शानदार ब्रिज ये रील में लग रहा था। और रियल लाइफ में भी कुछ शानदार ही था। अमेजिंग भाई, अमेजिंग अमेजिंग। आवाज मेरी कितनी आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्होंने आयो चाचू कुछ इस नज़ारे के साथ हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। तो हमारे अमन भाई जी आगे चल चुके हैं और ये गांव का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दृश्य। हम चल पड़े हैं और निरंतर चलते जा रहे हैं। हमारे अमन भाई जी आगे चले हैं और ये पुराने प्राचीन घर गांव के और ये बहुत सुंदर नज़ारा। और हमारी टीम अभी आ रही है पीछे से। ओम नमः शिवाय। वहाँ हमारी टीम फोटोशूट फुल ऑन कर रही है। ये नज़ारे जितने ऊपर हम चढ़ते जाएंगे उतने नज़ारे बदलते जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार नज़ारे पहाड़ों के। और वहाँ नीचे हमारी टीम आ रही है और यहाँ पे पीने के लिए पानी मिलता रहता है रास्ते में। तो भी हमने शायद इस पहाड़ी के पीछे जाना है। वर्ल्ड हाईएस्ट श्री कृष्णा टेम्पल यूलाकांडा। ओम नमो
अमेजिंग वाटरफॉल, ये शानदार नज़ारा, अद्भुत दृश्य बोलते हैं इसको भाई, अद्भुत दृश्य है। और ये अब तो मेरे को लगता है पूरा पूरा घना जंगल से होकर जाना पड़ेगा आगे, और पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो चलो चलते रहें भाई। पत्थर कैसा चमक रहा है ताबड़ तोड़ तरीके से। दोस्तों हम थोड़ी देर में यूलाकांडा पहुंचने वाले हैं, बस ये थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है ऊपर, और फिर करवाएंगे आपको प्रभु जी के दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारी यात्रा पे हमें पहली बर्फ रास्ते पे पड़ी हुई मिल गई है, और ये रास्ता है, और सामने तो पूरे के पूरे पहाड़ बर्फ़ से लदे पड़े हैं। ये है रास्ते का अद्भुत नज़ारा, और रास्ते में ऐसे बहुत सारे पेड़ गिरे रहते हैं, तो संभल के चलना चाहिए। अब यहाँ से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ही बचा है मंदिर, तो चलते रहते हैं निरंतर और पहुँचते हैं अपनी मंजिल की। और तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यूलाकांडा मंदिर के गेट पे, और ये दृश्य है यहाँ का, और वहाँ ऊपर जो चोटी पे बर्फ दिख रहा है उसके ठीक साथ में ही वहाँ पे हैं सराएं, और वहाँ पे आज रात हम विश्राम करेंगे। तो पूरे जोश और जय श्री कृष्णा पूरे जोश के साथ हमारे भक्तजन चल पड़े हैं। सालू ये भाई वैली व्यू बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे, और ये दृश्य अद्भुत। और भाई हम पहुंच चुके हैं यूलाकांडा में, और यहाँ पे हमारे चाचू जी ऑन फायर, और अमन भाई भी ताबड़ तोड़ तरीके से चल पड़े हैं। चाचू चाहिए चार्जिंग नहीं है हमारे पास भाई। बहुत ही शानदार वैली है ये हमारी, बहुत ही प्यारी और शानदार वैली यूलाकांडा, और यहाँ पे आप ज़रूर आइए एक बार और देखिए यहाँ के नज़ारे और वातावरण। दोस्तों ये धूप प्राकृतिक धूप है, इसको काटा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर जलाया जाता है, और इसकी बहुत ही अच्छी सुगंध होती है। तो हम इस धूप को ले जाएंगे घर, और घर में जलाएंगे। और नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब नज़ारा है, और साथ में छोटी सी धारा बहती चली आ रही है, और ये पहाड़ भाई बर्फ से लदे हुए, और सूर्यास्त की किरणें, अंतिम किरणें, क्या लालिमा दे रही है पहाड़ की चोटी को, और क्या अद्भुत दृश्य है यहाँ पे भाई। अब हम अभी पहुँच चुके अपनी सराय में, जहाँ पे हमने रात्रि को विश्राम करना है। तो यहाँ पे वो सराय, और वो वहाँ नीचे से हम आए, और हमारी टीम भी अभी बहुत पीछे है वहाँ पे है, वो नीचे पॉइंट दिख रहा है, और हमारे दो टीम मेंबर बहुत क्लोज आ चुके हैं यहाँ पे, वो नीचे दिख रहे हैं भाई साहब। ये स्नो माउंटेन पूरे के पूरे गोल, पूरी तरफ आगे पीछे दाएं बाएं सारे के सारे बर्फ ही बर्फ, और बीच में आज हमने करना है यहाँ पे स्टे। तो भाई देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे चाचू जी कर रहे हैं गाइड, वहाँ पे नीचे दो बंदे हैं हमारे, और वो रह गए थे थोड़ा पीछे, तो उनको बता रहे कि कहाँ से रास्ता कहाँ को ऊपर आना है। वही मॉर्निंग वाइब्स, और
पूरी की पूरी धूप खिल चुकी है, बहुत ही शानदार नजारा। राधे राधे हर हर महादेव। अमेजिंग सनराइज भाई, यूलाकांडा टॉप माउंटेन्स। हम थोड़ी सी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं अभी, और पूरी बर्फ की चादर यहाँ पे बिछी हुई है, और मैं भी अभी इसी पे ही खड़ा हूँ। और हमने जाना है इस पहाड़ के उस पार। चंडे चुल दे पहुंच चुके हैं, चंडे चुल दे दरबार बाबा जी तेरे। अभी चंडे चुल दे नजारा आप ये नजारा। यूलाकांड में पहुंच चुके हैं हम, और वहाँ पे वो लेके महान अपने भगवान कृष्ण भगवान जी की। और हम अभी बर्फ पे चल रहे हैं, पता नहीं कितनी गहरी बर्फ है। और ये देख सकते हो आप, हमारे चाचू जी नीचे धंस रहे हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं यूलाकांडा, द वर्ल्ड हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। और प्रभु जी के आशीर्वाद से हम प्रभु जी के दौरे में पहुंच चुके हैं अभी। और हमें बहुत ही ताबड़ तोड़ जोश आ चुका है अभी, पूरी जोरों शोरों के साथ हम अभी कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि जोश ही कुछ ऐसा है इन वादियों पे। और हम यहाँ पे खड़े हैं अभी, नीचे पूरी ढलान है, और अब ये नज़ारा बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है यहाँ पे। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं यूलाकांडा, द वर्ल्ड हाईएस्ट लॉर्ड कृष्णा टेम्पल। वहाँ पे जो आपको पीछे दिख रहा है वहाँ पे है लेक, और बीच में है लॉर्ड कृष्णा जी का मंदिर। तो अभी ये दृश्य कुछ यहाँ पे ऐसा है, और नीचे सीधी ढलान है ताबड़ तोड़ वाली। और अभी हम पहुंच चुके हैं, और ये लाइन है जिसके ऊपर से हम चल के आए हैं, और ये यहाँ से नीचे उतरेंगे भाई, कहाँ उतरेंगे अब तो, यहाँ पे ताबड़ तोड़ सीन हो चुका है। यहाँ पे हम वहाँ प्रभु जी का मंदिर, और देख सकते हो आप हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हम हैं यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ से नीचे जाएंगे हम और मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी हम पुल पार करेंगे, हमारी टीम ताबड़ तोड़ तरीके से भाग रही है। और ये नज़ारा है यूलाकांडा लॉर्ड कृष्णा टेम्पल का। ये हमारे हिमालयन ट्रैकर जी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौहान चौहान फंस गया पार मंदिर के पास। एक कोर कृपा अभी कर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर श्री राधे, मुहे प्रीति की रीति सिखा दीजिए मुहे प्रीति। आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मैं तो श्री मथुरा नरेश श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति, अद्भुत सा मंदिर इधर है, ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन सालू को वीडियो में मतलब 2015 में। और यहाँ की जो मान्यता है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ये मंदिर जो है झील के बीच में है, तो ये जो झील है ये अमृत झील के नाम से भी जानी जाती है। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, देखा मोहन ने जब समझ। तो दोस्तों अपनी यात्रा को देते हैं यहीं पे विश्राम। तो अब अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और हम आपको भगवान के दर्शन करवाते रहेंगे जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।